बात कर रहे थे, वर्ब तीन है, डू बी एंड हैव। हमने डू को डिस्कस किया, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं बी। नॉर्मली जब लोग पढ़ाते हैं, चाहे कोई भी सर, नॉर्मली जो मैंने, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, बी और हैव पे स्टार्टिंग में डिस्कशन नहीं होता है। वर्ब का मतलब भी होता है, लोग समझते हैं कि काम के होने की जानकारी देने वाले वर्ड को हम वर्ब बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास तीन वर्ब है, डू वाला, बी वाला एंड हैव वाला। अभी मैं आपको लेके चल रहा हूं जो नंबर वर्ब का तीन वर्ब है, तो जो हमारा पोजीशन बताता है, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मैं कैसा हूं, ये कौन बताएगा, बी बताएगा। और ये भी प्रॉपर एक वर्ब है, इसके भी पांच फॉर्म्स है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। दूसरा वर्ब है हमारा, दूसरा वर्ब कौन क्या बताएगा, राइट, ये है मैंने लिखा था पोजीशन, ये क्या बताएगा, पोजीशन, इसको हिंदी में क्या लेंगे, स्थिति, स्थिति। एंड ये वर्ब कौन है, बी। बी के भी पांच फॉर्म है, ये आपको नॉर्मली जानकारी होना चाहिए। अक्सर लोगों को ये जानकारी नहीं होता है, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम होता है हिंदी को अंग्रेजी करने में, ग्रामर की मदद से, एम आई राइट, ओके। तो ये क्या क्या बताता है, पहले ये समझिए, बी का मीनिंग होता है होना, और ये बताता है मैं कौन हूं, ये क्या बताता है, मैं कौन हूं। मैं इसलिए लिखा है कि मैं अपने में बात कर रहा हूं, आप कौन है, वह कौन है, कोई भी कौन है, ये कौन बताएगा, बी बताएगा, राइट। मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मैं कहां हूं, इसे वर्ब है लेकिन इस वर्ब में एक्शन नहीं है। मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, और क्या बताएगा, मैं कैसा हूं, ये तीनों हमारा पोजीशन है, ये हमारे स्थिति, और इसे इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक वर्ब है, अब वो कौन है, बी है, राइट। तो चूंकि टाइम हमारा वर्ब का फॉर्म बताता है, जिसे हम टेंस बोलते हैं, तो अगर बी एक वर्ब है तो इसके भी पांच फॉर्म है, कितने फॉर्म है, पांच फॉर्म है, जो आप याद कर लेंगे तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, ठीक है। जैसे पहला आपके पास बी वन, ठीक है, दूसरा है बी टू, तीसरा है बी थ्री, चौथा है बी फोर, एंड पांचवा है बी फाइव, राइट। तो बी के कौन कौन से फॉर्म है, बी का बी वन होता है बी एम एंड आर, मतलब कि ये तीनों वर्ड सेम है, तीनों वर्ड की मीनिंग सेम है, बी एम आर, बी का तीनों जो है ये हमारा बी वन फॉर्म है, क्या क्या है, बी एम आर, राइट। ये एम आई के लिए लगाते हैं, ये आर पुलर सब्जेक्ट के लिए लगाते हैं, बी होने के सेंस में जहां जहां जरूरत होता है हम लगाते हैं, तो बी एम आर हमारा कौन सा फॉर्म है, बी वन है। और बी वन वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, मैं लास्ट में लिख के देता हूं, बी वन प्लुरल फॉर्म होता है, वर्ब का जो बेस है, कोई भी वर्ब मेन कौन है, बी वन है, बी टू, बी थ्री, बी फोर हम बनाते हैं, तो बी वन जो है हमारा बेस है, और ये ओरिजिनली किस फॉर्म में होता है, सिंगुलर में कि प्लुरल में, तो बी वन होता है प्लुरल फॉर्म, एंड बी फाइव होता है सिंगुलर फॉर्म। एक्चुअली ग्रामर का एक रूल है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, अगर सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब भी प्लुरल होना चाहिए। नाउन में एस जोड़ने से सिंगुलर बनता है, सॉरी, नाउन में एस जोड़ने से प्लुरल बनता है, लेकिन वर्ब में एस जोड़ने से सिंगुलर बनता उल्टा है, एम आई राइट। ये देखिए बी एम आर, ये हमारा बी वन है, बी का, इसका बी टू क्या है, वाज और वर, ये हमारा बी टू है, ये बी टू है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वाज लगाएंगे, एंड अगर प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो वर लगाएंगे। और हमारा बी थ्री कौन है, बीन, बी थ्री कौन है, बीन है। जैसे मैं मुंबई में रहा हूं, आई हैव बीन इन मुंबई, आई कैन से आई हैव बीन देयर, मैं वहां रहा हूं या रह चुका हूं, एम आई आई हैव बीन देयर, लाइक जब कुछ प्रॉब्लम हुआ मैं वहां पे था, द टाइम था हुआ, तो फिर हम पास्ट में चले जाएंगे, बी थ्री हम प्रेजेंट में भी यूज करते हैं, पास्ट में यूज करते हैं, देखिएगा हम लोग डिटेल में, ठीक है। तो क्या है, बी एम आर बी वन है, वाज वर बी टू है, एंड बी थ्री बीन है, इसका बी वर क्या है, बीइंग, बी ई आई एम, एंड बी फाइव क्या है, इज, इज हमारा बी फाइव है,
इज हम सभी लगा तभी लगा सकते हैं जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, जैसे ही इज, सी इज, मोहन इज, आई इज नहीं बोल सकते। आई के लिए खास करके स्पेशल वर्ड है, वो कौन सा वर्ड है? एम। एम राइट? तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हम इज लगाएंगे एंड प्लुरल होगा तो आर है। इस तरह से हमारा जो वर्ब दूसरा है बी वाला, ये पोजिशन बताता है जो स्थिति है, बी का मीनिंग होना होता है, ये बताता है मैं कौन हूं, कहां हूं, कैसा हूं। इसके पांच फॉर्म है, बी एम आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग एंड इज। आप इसे नोट कर ले एंड मैं बोलूंगा आप जरूर याद कर, अगर आप याद करते हैं तो लाइफ आसान हो जाएगी। सारी कहानी इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब की है, वर्ब को डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। मैं आगे आपको समझा रहा हूं, हैव जो हमारा आखिरी वर्ब है तीसरा, ठीक है, वो है हमारा पोजीशन, अधिकार। मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या था, मेरे पास क्या होगा, तो कौन बताएगा? हैव बताएगा। जैसे मेरे पास एक पेन है, आवा पेन, ये हैव क्या है? नॉर्मली हैव को लोग हेल्पिंग वर्ब समझते हैं, है हेल्पिंग वर्ब है, क्या यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है? नहीं, ये बी के सारे रूप, एम के, ये लोग डबल रोल प्ले करते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी होता है मेन वर्ब भी होता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो हम सिर्फ वर्ब के फॉर्म की बात कर रहे हैं, अब हम आपको दिखाएंगे वर्ब के पांच फॉर्म जो है वो बी4 कहां लगाते हैं, बी थ्री कहां, बी टू कहां है, बी वन, बी फाइव कहां है, उसके बाद फाइनली क्लियर हो जाएगा कोई भी हिंदी का सेंटेंस होगा आप अंग्रेजी में बना सकते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूं दिखाने पोजिशन वाला, जो पोजिशन केस है हमारा, पोजिशन बताएगा, अधिकार बताएगा, इसके लिए कौन सा वर्ड है? हैव। अभी हम आपको हैव बताते हैं। तीसरा वर्ब है अपने पास हैव, एंड हैव को हम लोग समझते हैं, इसके सारे फॉर्म को देखते हैं और क्यों लगाते हैं ये हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तीसरा वर्ब क्या है हमारे पास? तीसरा है पोजीशन। क्या बताता है? पोजीशन मतलब, सॉरी, पोजीशन, पोजीशन, राइट। तीसरा वर्ब हमारे पास क्या है? पोजीशन, जो हमारा क्या बताता है? अधिकार, मतलब हक, किस चीज को, क्या चीज हमारा है उस पर हमारा अधिकार है, इसका हम, ये सेंस कौन बताएगा? हैव। तीसरा वर्ब है इसका, ये वर्ड है हैव, इसके मीनिंग को आप समझिए वो भी अच्छा रहेगा। इसका मीनिंग होता है, हैव का मीनिंग होता है पास, क्या मीनिंग होता है? पास। एक मीनिंग होता है रखना, और एक मीनिंग होता है खाना ऑल्सो, जो हम खाते हैं, क्या हैव का मीनिंग खाना भी होता है। देखिए ये जो वर्ब है हैव, इसका मीनिंग क्या है? पास, रखना एंड खाना। ये क्या बताता है वो मैं आपको दिखाता हूं, ये बताता है मेरे पास, मेरे पास क्या, मेरे पास क्या है, ठीक है, मेरे पास क्या था, मेरे पास क्या था, ओके, एंड आखिरी है मेरे पास क्या होगा। मतलब ये हैव सिर्फ तीन चीज बताता है, मैं अपने लिए बोला मेरे पास, आप यहां पे कोई भी सब्जेक्ट फिट हो सकता है, उसके पास क्या है, उसके पास क्या था, उसके पास क्या होगा, ये जानकारी कौन देगा? हमारा हैव देगा। और इस हैव के पास भी पांच वर्ब के फॉर्म है, और वर्ब का फॉर्म हमारा टाइम बताता है, जो हमारा एक्शन है या जो हमारा पोजीशन है, जो हमारा पोजीशन है वो पास्ट का है, प्रेजेंट का है, के फ्यूचर का। इसके हम पांच फॉर्म को देखते हैं, ये है बी वन, ये क्या है? बी वन, नेक्स्ट बी टू, अगला है बी थ्री, नेक्स्ट है बी फोर, नेक्स्ट है बी फाइव। तो हैव का बी वन क्या है? हैवी है, हैवी है, क्या ये हैव, ठीक है। इसका बी टू क्या है? हैड। बी टू क्या है? हैड। और बी थ्री क्या है? हैड। एंड बिफोर क्या है? हैविंग, हैविंग। एंड बी फाइव क्या है? हैज।
ये हो गया टोटल वर्ब के फॉर्म की कहानी। हैव लगा बताता है मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या था, मेरे पास क्या होगा। इसके पांच फॉर्म है, हैव, हैड, हैड, हैविंग एंड हैज। मैं चाहूंगा आप इसे लिख लें, ठीक है। हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। मैं चाह रहा हूं आप इसे लिखें, मैं चाह रहा हूं आप इसे लिखें एंड आप याद कर लें। यकीन मानो अगर ये वर्ब आप समझ जाते हैं, अगले क्लास में मैं वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए स्पेशली, जहां हम ये बताएंगे। अभी तो हमने सिर्फ देखा कि वर्ब के जो वर्ब कितने हैं, इसके फॉर्मेशन के हिसाब से टाइप्स कितने हैं, हर वर्ब के पांचों फॉर्म को हमने देखा। अगले क्लास में हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे जहां हम ये सिखाने वाले हैं कि वर्ब का V1 V5 हम कहां लगाएंगे, किसके साथ लगाएंगे, इसका कौन हेल्पिंग वर्ब होगा, V2 कहां लगाएंगे, कौन हेल्पिंग वर्ब होगा, V3 कहां लगाएंगे, इसका कौन हेल्पिंग वर्ब होगा, एंड V4 कहां लगाएंगे, इसका कौन हेल्पिंग वर्ब होता है। यकीन मानिए ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कोई भी हिंदी का सेंटेंस हो आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, बसरते आप इसे समझे, राइट। कोई भी सेंटेंस को आप हिंदी से अंग्रेजी बना सकते हैं, कोई प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। काम तो यहां भी होगा, क्योंकि वो नाम के साथ हम लोग वर्ब पे ही काम करते हैं। मैंने आपकी टेंशन को खत्म करने के लिए डायरेक्ट वर्ब पे बात करना स्टार्ट किया है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नाम लेना हम बंद कर दिए। तो आप इसे जरूर से देखें, अगर एक बार में समझते रहिए अब दो बार देखें, तीन बार देखें, ये आपके हाथ में है, आप ऑन करें, आप देख लें, राइट, और समझने की कोशिश करें। इनकेस अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है समझने में, आप मुझे व्हाट्सअप करें, डिस्क्रिप्शन से मेरा नंबर ले सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने का, ठीक है, और उस पर हम वीडियो बना के अपलोड करेंगे, ठीक है। नाउ बस मैं आपको याद दिलाऊंगा, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, मुझे अच्छा लगेगा, मैं समझ पाऊंगा कि आप इसे समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। थोड़ा अलग हटके है, मैं अपनी क्लास में ये लगभग 12 साल से पढ़ा रहा हूं और इससे काफी लोगों को फायदा हुआ है, ग्रामर सीख गए, बहुत सारे स्टूडेंट टीचर हो गए, तो हो सकता है थोड़ा अभी स्टार्टिंग में ऑर्डर लगे, क्योंकि आपको आदत है पढ़ने का प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये अलग वे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप रिलैक्स रहिए, मैं आपको एग्जैक्टली पूरा सिखा दूंगा, आप सिर्फ हमारे वीडियो को देखें। नहीं समझे हमने, हाँ तो लाइक करें, कमेंट करें, एंड अगर अच्छा लगे तो आप दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल, गुड बाय, टेक केयर।